नमस्कार, स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन स्वागत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तो इंश्योरेंस करवाने वाले लोगों के लिए खुशखबरी देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस पर GST हटा सकती है सरकार, लेकिन महंगी होंगी ये चीज। GST काउंसिल की पिछली बैठक में बनाए गए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो है GOM, उसने GST की दरों में जो है कुछ बदलाव करने का फैसला लिया है। राहत भरी खबर यह है कि हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस पर GST पर छूट देने का फैसला किया गया है, मगर कई लग्जरी वस्तुएं जो है जैसे कि हाई एंड घड़ियां और इसके अलावा जूते पर GST दरों को बढ़ाने का सुझाव दिया गया है। कल हुई GOM की बैठक में जो है GST की दरों में कुछ संशोधन पर सहमति बनी है, जिससे 22,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की संभावना है। वह समूह कुछ लग्जरी वस्तुओं पर जो है कर की दरों को जो है इसमें वृद्धि पर सहमत हुआ है। मंत्री समूह ने 25,000 रुपये से अधिक कीमत वाली घड़ियों पर GST की दर को 18% से बढ़ाकर 28 करने का प्रस्ताव रखा है। साथ ही 15,000 रुपये से अधिक कीमत वाले जूते पर भी जो GST जो है 18 से बढ़ाकर 28 कर दिया जाएगा। इसके अलावा मंत्री समूह के सदस्यों ने जो है 20 लीटर के पीने के पानी की बोतलों और साइकिल पर भी जो है करों की दरों को 18 से घटाकर 5% करने का निर्णय लिया है। सदस्यों ने प्रस्ताव दिया है कि एक्साइज नोटबुक पर भी GST को 12% से घटाकर 5% किया जा सकता है। 10,000 रुपये से कम कीमत वाली साइकिलों पर भी GST को 12% से घटाकर 5% करने की सिफारिश की जाएगी। वही जोम ने जो है टर्म लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम और वरिष्ठ नागरिकों द्वारा स्वास्थ्य बीमा के लिए भुगतान किए जाने वाले प्रीमियम GST से छूट देने का फैसला यहाँ पर किया है। इस कदम से बीमा कंपनी और पॉलिसी धारकों दोनों को जो है जो टैक्स का बोझ जो है उनका कम होगा। दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए गठित मंत्री पैनल ने जो है 31 अक्टूबर तक GST परिषद को अपनी सिफारिशें जो है ये सौंपेगा। इस संबंध में अंतिम निर्णय जो है GST परिषद की अगली बैठक में जो है वो किया जाएगा। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, 14 दिसंबर है आखिरी तारीख, अपडेट करा ले अपना आधार कार्ड वरना हो सकती है दिक्कत। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपके लिए जो है बड़ी खबर है। अगर आपने अभी तक अपने आधार कार्ड को अपडेट नहीं करवाया है तो जल्द से जल्द उसे अपडेट करवा लें, क्योंकि इसको अपडेट कराने की सरकार ने जो है लास्ट तारीख जो है वो भी यहाँ पर बता दिया। दरअसल आधार कार्ड को लेकर जो है यहाँ पर जिनका आधार कार्ड 10 साल पुराना, उनको आधार कार्ड अपडेट करवाना अनिवार्य है। सरकार ने जो है ये चेतावनी जारी की है। दरअसल आधार कार्ड को जो है आप 14 दिसंबर 2024 तक जो है फ्री में अपडेट करवा सकते हैं। उद्योग की वेबसाइट पर जाकर आप अपने आधार कार्ड को फ्री में जो है अपडेट करवा सकते हैं। बता दें आपको कि आधार कार्ड का इस्तेमाल आप बैंक खाता खुलवाने, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने सहित कई तरह की जगहों पर जो है अपने आधार कार्ड का जो है यहाँ पर इस्तेमाल आप कर सकते हैं और आधार कार्ड जो है आपसे अपडेट करवा सकते हैं। अपडेट करने के लिए सबसे पहले आपको जो है uday.gov.in वेबसाइट पर जाना है। वहाँ जाकर आप फ्री में अपने आधार कार्ड को जो है अपडेट करवा सकते हैं। तो आधार कार्ड वालों के लिए बड़ी खबर, अब 14 दिसंबर तक आप मुफ्त में अपने आधार कार्ड को जो है अपडेट करवा पाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगली बड़ी खबर देखिए, बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी देखिए। बिजली उपभोक्ताओं का अब सारा काम अब घर बैठे होगा पूरा। UPCCL देने जा रहा है बड़ी सुविधा। उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं का बिजली दफ्तर के चक्कर नहीं काटने होंगे। दरअसल अब उन्हें कोई भी शिकायत होगी तो उनको जो बारे में उनको ऑनलाइन सूची जो है वो यहाँ पर वो कर सकते हैं। दरअसल ऑनलाइन शिकायत मिलते ही कम से कम समय में शिकायत का निपटारण जो है वो किया जाएगा। वह सिस्टम में पारदर्शिता इसके लिए उपभोक्ताओं की सप्लाई से जुड़ी, बिल से जुड़ी और मीटर से जुड़ी समस्याओं का निपटान जो है होगा। इसके लिए जिम्मेदार ऑफिसरों को अलग अलग दायित्व जो है वो सौंपा गया है। यहाँ तक कि हेल्पलाइन नंबर 1912 पर शिकायत दर्ज कराने के लिए एक अधिकारी को अलग से जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। 15 नवंबर से विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड से जो है फेयरलेस व्यवस्था को शुरुआत जो है उत्तर प्रदेश के अंदर की जाएगी। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड इसका विस्तार पूरे प्रदेश में करेगा और उपभोक्ताओं को जो है बिजली संबंधी समस्याएं जो है उनकी आसानी से सरल हो, मतलब समस्या जो है यहाँ पर समापन हो पाएगा। वही समय जो है बिजली से जुड़ी समस्याओं के लिए उपभोक्ताओं को बहुत सारे चक्कर काटने पड़ते हैं। यहाँ तक कि इस मामले में भ्रष्टाचार की शिकायतें भी बहुत सुनने को मिलती है। बता दें आपको कि अभी तक एक अधिकारी ही बिलिंग आपूर्ति और दूसरी समस्याओं को देखते आ रहे थे, लेकिन अब इसमें बड़ा बदलाव किया जा रहा है। अब अधिकारियों के पास देने के लिए भी कोई बहाना यहाँ पर नहीं होगा। अब तय समय से जो है समस्याओं का समाधान क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर बिजली उपभोक्ताओं के लिए उत्तर प्रदेश से ये बड़ी खबर सामने आई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो BSNL के ग्राहकों के लिए खुशखबरी देखिए। BSNL ने जियो एयरटेल की बोलती कर दी है बंद। 160 दिन वाले प्लान ने यूजर्स की कर दी है मौज।
BSNL की सिम यूज़ करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी सामने आई। दरअसल उत्तर प्रदेश यहाँ पर जो बिजली उपभोक्ता जो है उनके लिए जो है यहाँ पर एक BSNL जो है एक नया यहाँ पर ऑफर लेकर आया। दरअसल भारत में टेलीकॉम इंडस्ट्री में जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया और BSNL चार प्रमुख टेलीकॉम कंपनियाँ हैं। वह जियो इस समय जो है सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है, लेकिन जब से कंपनी ने प्राइस हाइक किया है तब से जो है सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL सुर्खियों में बनी हुई है। दरअसल सस्ते रिचार्ज प्लान के लिए कंपनी लगातार शानदार ऑफर लेकर आ रही है। अब BSNL अपने यूजर्स के लिए 160 दिन वाला सबसे सस्ता प्लान लेकर आई है। BSNL इस समय जो है देश की टेलीकॉम इंडस्ट्री के ग्राहकों को सबसे सस्ता रिचार्ज प्लान ऑफर कर रही है। वही सरकारी कंपनी के पास भले यूजर्स की संख्या कम हो, लेकिन सस्ते प्लान से कंपनी जियो और एयरटेल को कड़ी टक्कर दे रही है। महंगे प्लान होने की वजह से लाखों संख्या में यूजर्स जो है एयरटेल को छोड़कर BSNL की तरफ जा रहे हैं। भैया BSNL ऐसा रिचार्ज प्लान लेकर आया है जिसने जो है एयरटेल की नींद उड़ा दी है, जियो की भी नींद उड़ा दी है। सरकारी कंपनी ग्राहकों की डिमांड को देखते हुए 160 दिनों वाला शानदार प्लान लेकर आई है। BSNL इस प्रीपेड प्लान को करोड़ों मोबाइल यूजर्स की से टेंशन जो है खत्म हो गई है। वह 160 दिनों के प्लान में यूजर्स को पूरी वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा जो है मिलेगी। साथ ही एयरटेल की तरह जो है डेली 100 SMS फ्री मिलेंगे। दरअसल BSNL 160 दिनों के लिए 1,000 रुपये वाला रिचार्ज जो है 1900 यहाँ पर 1,000 रुपये का 997 रुपये का ही यहाँ पर रिचार्ज लेकर आई है। इस प्लान में डेटा बेनिफिट्स की बात करें तो इसमें आपको जो है 160 दिनों के लिए कुल 320 GB डेटा दिया जाएगा, मतलब आपको हर दिन 2 GB डेटा मिलेगा। वह BSNL के ग्राहकों को इसमें जो है कई तरह के OTT प्लेटफॉर्म का भी जो है सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप BSNL की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 997 रुपये के रिचार्ज के बारे में और भी डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं। और इसको देखकर जो है आप आसानी से जो है यहाँ पर BSNL की जो सेवाएँ जो है उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। वैसे वीडियो चला गया आप लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि खबरें रोजाना आपको इसी तरह की मिलती रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।